नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है RSCIT असाइनमेंट नंबर 10, मोबाइल डिवाइस या स्मार्टफोन के साथ कार्य करना। तो इससे पहले 9 असाइनमेंट के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे और उनके लाइव टेस्ट हमने पहले अपलोड कर दिए हैं। आप वहां हमारे चैनल पे जाकर आराम से उनको देखिए और अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। पहले ऑफलाइन देखिए, उसके बाद में आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिए ताकि आपके कंप्लीट नंबर आ सके। तो देखते हैं किस प्रकार से अपने को कंप्लीट करना है। तो असाइनमेंट नंबर 10 चेक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, प्रोसीड फर्स्ट अटेम्प्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके पास कुछ इंट्रोडक्शन आएंगे, इनको आप एग्री कर देना। एग्री करने के बाद में आपको स्टार्ट एग्जाम के ऊपर क्लिक करना है। स्टार्ट एग्जाम आपका हो जाता है तो यहाँ पे इधर टाइमर आपका चलता रहता है, 15 मिनट का ये है। और असाइनमेंट नंबर 10 सारा सिस्टम यहाँ पे दिखाई देता रहता है आपको। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है मोबाइल हॉटस्पॉट क्या होता है। तो हॉटस्पॉट क्या होता है, एक उपकरण होता है जिसके द्वारा साझा करने की अनुमति आप देते हो, ठीक है। तो अन्य उपकरणों मतलब दूसरे डिवाइसों को जुड़ने की अनुमति आप देते हो, तो अन्य उपकरणों के साथ साझा करने की अनुमति आप देते हो। तो इसके ऊपर आपको टिक कर देना है और यहाँ से आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करते हैं, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। ये कहता ही यह किसका आइकॉन है, तो आप यहाँ इसको डाउन कर सकते हो, स्क्रॉल कर सकते हो। तो आप लोग काफी अच्छी तरीके से जानते हो और सब जानते हैं कि ये किसका आइकन है, तो बताने की ज्यादा इसमें आवश्यकता है नहीं, व्हाट्सएप का है। आगे अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये आइकन हो सकता है आपने इस तरीके का जो लोगो है, ये ऐप है, ये देखा हो सकता है आपने नहीं देखा हो। आप इसको इस प्रकार से पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। अब आप लोग अगर देखे होंगे तो हो सकता है आप में से किसी को पता हो सकता है नहीं हो, तो मैं बता देता हूँ, ये मित्र ऐप का है। यहाँ से इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 हो सकता है ये काफी सारे लोगों ने देखा हो, ये प्ले स्टोर का आइकन है, तो इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध होता है, इनमें से कौन सा लॉक अपने अपने एंड्रॉयड डिवाइस में लगा सकते हैं। पासवर्ड भी लगा सकते हैं, पैटर्न भी लगा सकते हैं और पिन भी लगा सकते हैं, मतलब दिए गए सभी अपना आंसर रहेगा। इसके ऊपर आपको टिक कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दर्शाए गए चित्र का क्या अभिप्राय है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, आराम से आप लोग अच्छी तरीके से समझिए। ये जो आपको आइकन दिख रहा है या चित्र दिख रहा है या लोगो दिख रहा है, ठीक है, आप को ये बता रहा है कि ये iOS का है और ये है एंड्रॉइड का है और ये है विंडो का है। तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं पहली बात, ठीक है। ये एप्पल वाले फोनों में आता है, ये आप जो भी एंड्रॉइड मोबाइल आप काम में ले रहे हो, ठीक है, जो भी आपका स्क्रीन टच मोबाइल है उसमें क्या आता है, एंड्रॉइड। हो सकता है वो आपके विंडो भी हो, कंप्यूटर में भी आता है, एक विंडो का मोबाइल भी आता है। आप लोगों को मैं बता देता हूँ, विंडो का मोबाइल भी आता है। आप ये ना समझे कि जो विंडो आती है कंप्यूटर में डलती है, विंडोज जो है वो एक मोबाइल भी आता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का होता है, उसमें विंडो आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, तो ये क्या है, तो ये लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इनके प्रकार है ये तीनों, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। मैं एक चीज और बता देता हूँ, ये तीन ही नहीं, ऐसे और भी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन मुख्यतः यही है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ जाता है। ये कह रहा है हॉटस्पॉट की किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। अगर आप हॉटस्पॉट के लिए जो कनेक्टिविटी होती है उसके लिए क्या होता है, सामने वाले के पास वाईफाई होना चाहिए। अगर उसके पास वाईफाई डिवाइस नहीं है, ठीक है, अगर उसने वाईफाई नहीं ऑन कर रखा है अपने मोबाइल में या लैपटॉप में, तो वो कनेक्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा वाईफाई। इसके ऊपर आपको टिक करके आपको करना सेव एंड नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, गूगल मैप का उपयोग कर क्या कर सकते हैं। गूगल मैप आप जानते हो जो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दिशाएं प्रदान करता है, ठीक है। आप ऐसी लोकेशन पे जाना चाहते हो जिसका आपको रास्ता मालूम ना हो या हो, तो आप उसको गूगल मैप के द्वारा डालते हो कि मेरे को वहां जाना है,
तो उस लोकेशन के लिए वो पूरा रूट आपको बता देता है कि किधर से आपको जाना है, कैसे जाना है, इधर से जाओगे तो कितना टाइम लगेगा, अलग अलग ऑप्शन आपके सामने वो लाके रख देता है। तो एक स्थान ढूंढना और दिशाएं प्राप्त करने का कार्य जो करता है ये गूगल मैप करता है। इसके ऊपर क्लिक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। आगे आता है ईपीडीएस मोबाइल ऐप से कौन सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरएससीईआरटी के फाइनल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और गवर्नमेंट जॉब्स में भी पूछा जा सकता है। तो ये यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ईपीडीएस मोबाइल ऐप से क्या क्या जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, स्टॉक की अवस्था, लेन देन का इतिहास, दैनिक लेन देन की रिपोर्ट, दिए गए सभी विकल्प यहाँ पे अपना आंसर रहेगा। दिए गए सभी विकल्प अपना करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ को से दिए गए विकल्प के ऊपर क्लिक कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 10, जीपीएस का पूरा नाम क्या है। तो ये तो आप लोगों में काफी सारे बच्चों को पता होगा कि जीपीएस का पूरा नाम क्या होता है। तो ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। तो यहाँ पे अपना जो आंसर रहेगा वो बी करेक्ट आंसर रहेगा या 2 नंबर का करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ इसके ऊपर क्लिक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है, आगे भी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीपीएस का पूरा नाम क्या है या फुल फॉर्म क्या है, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। टोटल 10 क्वेश्चन आपने कर दिए हैं, अपने पास काफी टाइम बचा हुआ है। आप चाहो तो इनको चेक कर सकते हो, पहले वाले क्वेश्चन में जाके यहां से आप किसी भी क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। आगे अपने पास कोई क्वेश्चन है नहीं, अपने को क्या करना है, सबमिट और कंप्लीट एग्जाम के ऊपर क्लिक कर देना है। यहां से इसको कर देना है ओके, और जैसे ही अपन ओके कर देते हैं इसको तो अपना टेस्ट सबमिट हो जाता है। जैसे ही मैंने इसको सबमिट किया, सबमिट करने के बाद भी मेरे को यहाँ पे मेरा रिजल्ट मिल जाता है। आप देख सकते हो कंप्लीट रिजल्ट मेरे को यहाँ मिला है, 2 में से 2 पूरे मार्क्स मेरे को यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को गलत ना करें। और पहले आप ऑफलाइन देखें, इसका लिंक मैंने आई बटन पे दे रखा है ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। ऑफलाइन वीडियो आप पहले देखिए, देखने के बाद में आप ऑनलाइन टेस्ट दें। थैंक यू, धन्यवाद।